अब हम जा रहे हैं रिपल से, यहाँ का जो ऊंचे वाला पहाड़ है उस पर जा रहे हैं। उसकी ऊंचाई होगी 2800 मीटर। अब हम उधर जा रहे हैं, बस वो हमारे अपार्टमेंट से थोड़ा ही दूर है, तो थोड़ी देर में उधर पहुँचेंगे। ऊपर जाने के लिए केबल कार लेंगे। अब हम केबल कार लेके ऊपर जा रहे हैं ऊपर तक। हमने यहाँ से ग्रॉसरी लेनी थी, लेकिन ग्रॉसरी का स्टोर खुलना है 3 बजे, इसलिए अभी हम केबल कार लेके ऊपर जाएंगे। फिर जब तक नीचे आएंगे तो शायद ग्रॉसरी स्टोर खुल गया हो। ये आ गई हमारी केबल कार। खुद होएगा भी मुझे नहीं पता। अब हम केबल कार में बैठ गए, अभी ऊपर लेके जाएंगी क्योंकि पानी इधर से ही तो आ रहा है। देखें ये बस सामने ही तो ग्लेशियर है, यहीं से तो पानी निकल रहा है सारा। ये है ना सर ऊंचे पहाड़, इसके ऊपर वो बनाया था। अब हम ऊपर जा रहे हैं साथ साथ अली की कहानियां सुन रहे हैं। अभी तो अच्छा, वरना जब हवा चलती तभी हिलती भी। अल्लाह ने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो वो पहाड़ है, सारी चट्टान वाले वो बहुत ऊंचे हैं, 3500। ग्लेशियर तो बर्फ के पहाड़ होते हैं। ग्लेशियर तो बर्फ का पहाड़, बर्फ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जम गई होती है वो होते हैं। अच्छा अच्छा, अभी हम इतना ऊपर आ चुके हैं। देखा वो नजर आ रही है, वो पानी कहाँ से आ रहा है? ग्लेशियर वो नजर आया, पूरा वाइट है। स्की कर लेते हो तुम? सोच ले जरा वहाँ टेम्परेचर कितना होगा। -1, क्योंकि अभी भी इतनी गर्मी के बावजूद वो बर्फ पड़ी हुई है। लग नहीं रहा कि ऊपर से सीधा ये वाला तो लग रहा है शायद। किधर ओ लोग से पहुंचे हैं भी? ये वही कोई कोई इधर पहुंचो, ये देखो ये सामने, ये ये तो आराम से जाते नहीं, तो अच्छा भला वो बनाई हुई जगह बनाई हुई। ये देखा अभी ग्राउंड होना शुरू हो गया, वो जो है वो फिर से 1000 और ऊपर। देखिए आपका मोबाइल गया ना? हाँ, तो फिर वापस 2500 फीट ही ऊंचा है, 2500 मीटर ऊंचा। हाँ जी वाह, अब हम लिफ्ट लेके, अब हम ये केबल कार लेके ऊपर आ चुके हैं। काफी हाइट पे आ चुके हैं अब हम। वो लेक है, वो जो नीचे ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है वो ऊपर लेक बनी हुई है छोटी सी। अभी हम ऊपर आए हैं, सुबह का हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ, इसलिए आते ही हमें रेस्टोरेंट में आना पड़ा है कि हम कुछ खा लें, क्योंकि नीचे ग्रोसरी वाला सुपरमार्केट तो बंद है कि हम कुछ ले पाते, इसलिए हमने कहा ऊपर से ही खा लें। ये रोस्टी है, हैश ब्राउन की तरह की, इसके ये पोटैटो का बना हुआ है, इसके अंदर चीज़ है और इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। सैलड लिया इतना सारा ताकि थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, साथ में कुक रोस्टी और ली हुई है, इसके साथ में सैल्मन मछली भी है, स्मोकी सैल्मन। फ्रेंड्स अभी हमने खाना खाया, उसका नाम है सोनालम। ये जिधर हम ऊपर आए हैं उधर है ये रेस्टोरेंट। अब ये जिधर हम टॉप पर आए हुए हैं उधर का व्यू है, ये रहा। मैं चल के जा रही हूँ,
ये जिस जगह पे हम आए हैं इसका नाम है पिट्सटाल, ये ऑस्ट्रिया में है पिट्सटाल। पिट्सटाल इसके साथ ही एक घंटा आगे जाएँ तो इसके बाद इटली है, और इससे एक और इटली से एक घंटा और आगे जाएँ तो स्विट्ज़रलैंड है, यानी इटली और स्विट्ज़रलैंड पास है। और इसके पीछे ये इन पहाड़ों के पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो स्विट्ज़रलैंड और इटली को लगते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया इटली और स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ साथ साथ लगते हैं, यानी इसलिए क्योंकि अगर आप टूर पर निकलें तो आप लोग एक साथ तीन तीन जगहें पूरी वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और वो ऊपर पूरे ग्लेशियर वाले पहाड़ हैं जिनमें बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये रही छोटी सी लेक, इस छोटी सी लेक ही है ये, छोटी सी लेक ऊपर बनी हुई है और इसके अंदर ऊपर बोट भी चल रही है। आप लोगों को छुट्टियों पे आना हो तो मैं आप लोगों को जगह ज़रूर रिकमेंड करूँगी, इधर ज़रूर आएँ, इधर आके जितना सुकून मिलेगा, कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ भी हो स्ट्रेस भी रिलीफ होगा और बहुत सुकून बहुत मज़ा आएगा। जैसे लंबी छुट्टियों पर आना हो तो इधर आएँ, ड्राइव करके आएँ, फ़्लाइट लेकर आएँ, लेकिन इधर आएँ ज़रूर आएँ। जगह बहुत अच्छी है, बहुत हसीन है, इधर बहुत मज़ा आता है। ये देखिए आप पूरा व्यू, नेचर का अपना ही मज़ा होता है, जो मज़ा नेचर में जाकर आता है ना वो मज़ा कहीं और नहीं आता। वो देखें वहाँ पे पूरे बादल नीचे उतरे हुए हैं, काफ़ी धूप हो रही है, पहले मौसम थोड़ा ठंडा था तो इसलिए मैं अपनी ग्लासेस गाड़ी में ही रखाई। ये रही लेक, गुजर गया था। साफ पानी है, इतना खूबसूरत पानी है इस लेक का, ये चश्मे का पानी बिल्कुल साफ होता है, आप इसको पी सकते हैं। हम तो सुबह से चश्मों का पानी पी रहे हैं। होय 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 होय, बहुत हसीन लेक है, बहुत हसीन। अल्तमश ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। हम पूरे नीचे आ गए पूरी लेक के पास, हाँ मज़े का ठंडा ठंडा पानी है इधर। हाँ जी बाबा, हम इधर थोड़ी वॉक वगैरह कर रहे हैं, इस लेक के साथ साथ चल रहे हैं हम। से ऐसी जगहों पे आने का भी अपना ही मज़ा है, जाना हो तो बंदा ऐसी जगहों पे ही जाए, स्विट्ज़रलैंड इटली के और ऑस्ट्रिया के ऐसे इलाकों में, बड़ा मज़ा आता है। और मौसम भी बड़ा अच्छा है, शुक्र है ज़्यादा ठंड नहीं हो रही। हुडी पहनी थी हमने लेकिन उतार दी क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई है। ये भी पीछे पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं इधर,
अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है। ले रहा हूँ। वीडियो बना रहा है। देखो। तुम भी अंतमश के पीछे लग गए हैं। अंतमश के पीछे मौसम अच्छा हुआ हुआ था, अब बादल नीचे आने लग गए हैं। अब वो जगह बनी जहाँ से हमने केबल कार लेनी, टाइम होने वाला है, बस हम केबल कार लेके नीचे जा रहे हैं। फिर हमने थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने अपार्टमेंट वापस चले जाएंगे। अब हमें सुपरमार्केट से अंडे वगैरह मिल जाएँ ताकि हम घर में थोड़ा और कुछ बना बनू के खा लें। अभी तो इतनी वॉक किए थी, चढ़ाई चढ़ के आए हैं, सांस भी चढ़ गई है, खाना भी हजम। पूरी नीचे जगह से हम चल के ऊपर तक आए, पूरा हम नीचे गए थे फिर पूरा हम ऊपर आए। वो पूरे ग्लेशियर वाले पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है सारी, वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के पीछे और बड़े बड़े पहाड़ हैं। जब भी आप ऐसी जगह पे आएँ तो हाइकिंग वाले जूते लेके आएँ, कोई बहुत अच्छे जॉगर्स पहन के आएँ। हम इतने अच्छे जूते पहन के नहीं आए, पता नहीं आइडिया तो था लेकिन पता नहीं क्यों भूल गए लाना। इसलिए आप लोग जब भी आएँ तो जूते थोड़े अच्छे और कंफर्टेबल लाएँ कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत आसानी से ऐसे पत्थरों वाली जगह पे बड़े मज़े से चल पाएँ। कंफर्टेबल जूते, फरा वाली बात, कंफर्टेबल जूते पहन के आएँ। मुझे बहुत सांस चढ़ गई है, चल चल के ऊपर आके बस तकरीबन ऊपर पहुँच गए हम। वो व्यू और वो पीछे वो रही लेक जहाँ से हम होते हुए आ रहे हैं। 4:30 बजे आखिरी टाइम है, आखिरी उसका केबल कार का, उससे पहले हमने लेनी है, लेकर नीचे चले जाएंगे। आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। ये देखें, यहाँ से और भी हसीन व्यू दिखाई दे रहा है। वो भी पीछे पूरे पहाड़ हैं लेकिन बादलों में ढक गए हैं। बादल थोड़े और नीचे आ जाते हैं तो बहुत हसीन लगता है व्यू और भी, लेकिन बस फिर पूरे अच्छे से नज़र नहीं आती पहाड़ी। ये ट्रेल बनाई हुई है पूरी नीचे जाने के लिए, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हम 2500 मीटर की ऊंचाई पे हैं, इससे भी ऊपर मेरे ख्याल से 3500 की वो ऊंचाई है जहाँ पे लोग हाइकिंग करके जा सकते हैं। अब हम केबल कार में बैठ के अब हम नीचे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह करते हैं, सुभान अल्लाह, नीचे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, नहीं नीचे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। अंतमश को नीचे जाते हुए डर लग रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो अभी यहां पे वो पहाड़ नजर आ रहा है। सामने मत देखो।